खेल थोड़ी चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर सीबीआई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर थोड़ी पहले आप सीबीआई को करने नहीं देते हो, सीबीआई आती है पत्थर मारते हो और उसके बाद खुद ही प्रोटेस्ट पर उतर आते हो। आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो ना, तो आपको जो लड़की के साथ जो हुआ है उससे तो कोई मतलब नहीं है। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो पॉलिटिक्स, राइट। सीबीआई भारत की है ना, भारत से अगेंस्ट तो नहीं है। सीबीआई क्यों आई है? सीबीआई एक लड़की का रेप हुआ है उसको उसकी रिपोर्ट करने आई है और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ये अंडरवर्ल्ड जो गुंडे, बेसिकली गुंडे लोग जो होते हैं, ये गुंडे चोर चक्के मवालिया जो थे वो पाकिस्तान तो गए नहीं, कहाँ गए ये लोग? जब आज़ादी मिली तो उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने उसको अप्रोप्रिएट किया, वो उनका वोट बैंक बन के काम करने लगे। फिर वो दो पार्ट में टूटा, स्टूडेंट्स नेशनलिज्म में चले गए और इधर जो था ये जो इलेक्टोरल वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का काम इन लोगों ने किया। उसके बाद जब कम्युनिस्ट हट गए, कांग्रेस आ गई, तो ये सारा का सारा जो माफिया था, पॉलिटिकल माफिया, ये उनके साथ आ गया। फिर कांग्रेस गई तो इस पार्टी के साथ आ गया। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि ये पार्टी नहीं रहे, कल को कोई और पार्टी आए तो वो सारे के सारे इधर से उधर चले जाएंगे। इलेक्टोरल वायलेंस भी बंद हो गई है, ये सेक्सुअल वायलेंस फॉर पॉलिटिकल रीजन भी बंद हो गई है, बंगाल में अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है कि इसको अब चेंज करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बंगाल का है पॉलिटिक्स का, चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे यहीं से इंडिक रेनेसांस और एक तरह का सोशो पॉलिटिकल एंड विमेन एम्पावरमेंट का जो रेवोल्यूशन है वो एक बार फिर से शुरू होना चाहिए कि मैं पूरे इंडिया में जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, कभी भी कोई भी फिल्म शूट कर सकता हूँ। लेकिन दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर मैं शूट नहीं कर सकता, एक है कश्मीर और दूसरी है बंगाल। आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि यहाँ पे लोग फिल्म जैसी चीज़ शूट करने से डरते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं कल यहाँ पे आया था, अचानक बात चली जब मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्यूसडे को ऑर्डर दिया था उसको देखा, मुझे कुछ चीज़ें देखकर ऐसा लगा कि बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और यंग लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि सर जैसे दिल्ली में हुआ था निर्भया का, सारे इंडिया से लोग वहाँ पहुँच गए थे, पर कलकत्ता में ऐसा क्यों है कि कोई यहाँ आता नहीं है? तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग हुई कि आई शुड कम। और कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वॉक भी किया, एक सिम्बॉलिक था फॉर इमोशनल रीजन्स। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, मेरा रीज़न उसके साथ कनेक्ट होने का एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड ये है कि मैं पिछले 4-5 साल से बंगाल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ अपनी आने वाली जो मेरी फिल्म है दिल्ली फाइल्स, उसके लिए। आप, मैंने ये देखा है कि औरतों को जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है सती प्रथा से, वो इस ज़मीन पे हुआ बंगाल की। वंदे मातरम बंगाल की ज़मीन पे लिखा गया। माँ भारती की कल्पना जो देवी के रूप में हुआ, वो यहाँ बंगाल की पुण्य धरती पर हुआ। यहीं पे बाकी हिंदुस्तान में लक्ष्मी, सीता, सबको, दुर्गा, सबको सेलिब्रेट करते हैं। एक ज़मीन है जहाँ पे औरतों को एक लाइक अ वॉरियर, एक जो ईविल के अगेंस्ट लड़ती है, राक्षस के अगेंस्ट लड़ती है, ऐसे काली माँ की यहाँ पे पूजा होती है। यही वो ज़मीन है जहाँ पे टैगोर ने लिखा, वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ फ्री। और उन्होंने वो मर्दों के लिए नहीं लिखा, सबके लिए लिखा। यही वो ज़मीन है जहाँ पे शरद बाबू के साहित्य में औरतों को लिबर्टी के लिए लिखा गया। ये एकमात्र अकेला ऐसी ज़मीन है जहाँ पे जब ब्रिटिश लोग राज करते थे तो बीना दास ने, यंग गर्ल, उसने यूनिवर्सिटी में गवर्नर के ऊपर 5 गोलियां चला दी थी। बाकी जगह आदमी लोगों ने काफ़ी क्रांति की है, पर ये एकमात्र ऐसी जगह है। हमारी नाक इसलिए कटती है बिकॉज हमारे यहाँ एक भी पूरे इंडिया में आपको ऊपर से नीचे, रईस हो, गरीब हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, कोई लड़की महिला ऐसे यहाँ भी बैठी है, आप किसी से पूछ लीजिए, नहीं होगी जो अपने को जब बाहर निकलती सुरक्षित ना महसूस करती हो। मैं जितनी भी औरतें और लड़कियों से अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ, सबके साथ एक ना एक तो बैक स्टोरी है जहाँ उनको किसी ने किसी तरह से एक्सप्लॉइट किया है, या ग्रुप किया है, या मोलेस्ट किया है, कोई ना कोई पब्लिक लाइफ में, ट्रेनों में, बसों में, स्कूल्स में ऐसा है। लेकिन
किसी सरकार के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाना और उसको कवर अप करना जैसा यहाँ अभी आरजी कौर के केस में हुआ है, वो तो और भी ज़्यादा शर्मजनक बात है। जिन लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए, जब वही लोग हेल्पलेस होकर खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पर, तो ये बड़े दुख की और निराशाजनक होपलेस बात है। खेल थोड़ी चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर सीबीआई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर थोड़ी, पहले आप सीबीआई को करने नहीं देते हो, सीबीआई आती है पत्थर मारते हो और उसके बाद खुद ही प्रोटेस्ट पर उतर आते हो। आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो ना, तो आपको जो लड़की के साथ जो हुआ है उससे तो कोई मतलब नहीं है। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो पॉलिटिक्स, राइट? सीबीआई भारत की है ना, भारत से अगेंस्ट तो नहीं है। सीबीआई क्यों आई है? सीबीआई एक लड़की का रेप हुआ है उसको उसकी रिपोर्ट करने आई है और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से उठ के आ गई है। हाईकोर्ट तो बंगाल में ही है, कलकत्ता में ही है। अब आपको कुछ चीज़ पसंद ही नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ अगर करे, बोले, कुछ भी हो, तो आप ये सड़क पे, चीफ मिनिस्टर का सड़क पे आके प्रोटेस्ट करना इज़ अ सिंपल इंडिकेशन। कोई आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है बता सकता है पॉलिटिक्स का। इट्स अ एब्सोल्यूट फेलियर एंड द गिल्ट इज एविडेंट, गिल्ट इज एविडेंट हर बात। और ये हुआ कैसे? जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे सुहरावदरी, उनने जो यहाँ का अंडरवर्ल्ड था, माफिया था, क्रिमिनल्स थे जो बंदूक रखते थे, जो लोग बेसिकली ड्रगिस्ट, रेपिस्ट, जेब कतरे थे, उन लोगों के हवाले पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया था कि किस तरह लोगों को मारना है। और वहाँ से जो अंडरवर्ल्ड था वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा, एक पॉलिटिकल नेक्सस बना और अंडरवर्ल्ड जो है वो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। यही अंडरवर्ल्ड जो गुंडे, बेसिकली गुंडे लोग जो होते हैं, यही गुंडे, चोर, चक्के, मवालिया जो थे वो पाकिस्तान तो गए नहीं, कहाँ गए ये लोग? जब आज़ादी मिली तो उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने उसको अप्रोप्रिएट किया, वो उनका वोट बैंक बन के काम करने लगे। फिर वो दो पार्ट में टूटा, स्टूडेंट्स नेक्सलिज्म में चले गए और इधर जो था ये जो इलेक्टोरल वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का काम इन लोगों ने किया। उसके बाद जब कम्युनिस्ट हट गए, कांग्रेस आ गई, तो ये सारा का सारा जो माफिया था, पॉलिटिकल माफिया, ये उनके साथ आ गया। फिर कांग्रेस गई तो इस पार्टी के साथ आ गई। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि ये पार्टी नहीं रहे, कल को कोई और पार्टी आए तो वो सारे के सारे इधर से उधर चले जाएंगे। हम सब कलकत्ता में बैठे हैं लेकिन मैंने बहुत ट्रैवल किया है यहाँ छोटे छोटे गाँव में, शहरों में। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मुझे कोई शर्म और डर नहीं है ये कहने में। ये सत्य है कि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेज हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में, तहसीलों में, ये सारे के सारे क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ से ऑपरेट होती हैं। यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये काम होता है क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस जो है औरतों के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उससे पूरी सोसाइटी डीमोरलाइज होती है, फैमिलीज़ की फैमिलीज डीमोरलाइज होती हैं। और अपने वोट बैंक में किसी और को कंसोलिडेट करने के लिए ये सबसे स्मूथ और सेफ तरीका यहाँ पर माना जाता है। इलेक्टोरल वायलेंस भी बंद हो गई है, ये सेक्सुअल वायलेंस फॉर पॉलिटिकल रीजन भी बंद हो गई है, बंगाल में अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है कि इसको अब चेंज करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो बंगाल का है पॉलिटिक्स का, चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे यहीं से इंडिक रेनेसांस और एक तरह का सोशो पॉलिटिकल एंड वुमेन एम्पावरमेंट का जो रेवोल्यूशन है वो एक बार फिर से शुरू होना चाहिए। ये सूखी बंजर पड़ी ज़मीन पे कम से कम हज़ारों लाखों बीज बोने चाहिए जो कि यंग लोग बोएं, एक नई पॉलिटिक्स यहाँ से निकले, एक नए तरह की सोच निकले और पुरानी वो कम्युनिस्ट और ये जो अभी चल रही है ये सारी की सारी पॉलिटिक्स बंद हो और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वापस आएँ, यहाँ पे आर्टिस्ट वापस आएँ और जो लोग छोड़ छोड़ के बंगाल जा रहे हैं यंग लड़के लड़कियाँ वापस आएँ। हम जैसे लोगों को यहाँ के फिल्म बनानी चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे इंडिया में जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, कभी भी कोई भी फिल्म शूट कर सकता हूँ, लेकिन दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकता। एक है कश्मीर और दूसरी है बंगाल। आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि यहाँ पे लोग फिल्म जैसी चीज़ शूट करने से डरते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था सुबह की टीएमसी, यही लोकल पेपर में ही पढ़ रहा था, टेलीग्राफ और कहीं पे याद नहीं आ रहा है, तो टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, करेक्ट कर दीजिए कोई, मिमी मिमी नाम से ना है, भी है वो लास्ट सेशन में था, तो उसने भी प्रोटेस्ट किया है, वो तो टीएमसी की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसने प्रोटेस्ट किया, उसी को रेप थ्रेट्स दे दिया लोगों ने उठा के। तो अभी आप बताइए ऐसे में क्या किया जाए, अभी कोई क्या बोले इसमें। सो
इफ दैट्स ओके देन थैंक यू वेरी मच।